नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है। हमारे घर पे अक्सर चावल बच जाते हैं और उसमें से हम बहुत ही बढ़िया नाश्ता तैयार करने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स का उपयोग किया है जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो चलिए बचे हुए चावल में से राइस बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। राइस बॉल्स बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून तेल ले लिया है। इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने 1/4 कप गाजर, पत्ता गोभी, कैप्सिकम और प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। उसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। आपको जो भी सब्जियाँ पसंद है आप इसके अंदर ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे सब्जियाँ कुक हो जाएंगी। अब मैं इसे तेज आंच के ऊपर सौते कर लेती हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारे घर पे चावल बच जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता तैयार होता है। आप इसको सवेरे ब्रेकफास्ट में, शाम को चाय के साथ में, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ये नाश्ता सबको पसंद आता है। आधा मिनट हो चुका है और सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 1 कप चावल डाल देती हूँ। अभी मैं थोड़े मसाले भी कर लेती हूँ। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और इसे मैं आधा मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिया है। मैंने ब्रेड को मिक्सी में डाल के उसे चूरा तैयार किया है, मैंने वही यूज़ किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। इसे मैं प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 कप चीज़ डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें चीज़ ऐड कीजिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, पर चीज़ डालने से ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें से छोटे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। आपको जो भी साइज के बॉल्स पसंद है आप अपने हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। मैं इस प्रकार के छोटे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, जब भी आप ये स्टार्टर सर्व करेंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसे बचे हुए चावल में से तैयार किया है और हमने इसमें बहुत सारी सब्जियों का उपयोग किया है जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। मैंने मिश्रण में से सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून मैदा एक बोल में ले लिया है और उसके अंदर मैं पहले थोड़ा पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमें टोटल 1 कप पानी डालना है, पर पहले हम थोड़ा ही पानी डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में कोई भी गुठलियाँ ना रहे इस बात का हम ध्यान रख के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी बचा हुआ पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने मैदे की स्लरी, ब्रेड क्रम्स और हमने जो बॉल्स तैयार किए हैं वो सारी सामग्री अरेंज कर ली है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने जो अभी चावल में से बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं मैदे की स्लरी में डिप कर लेती हूँ और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है उसे निकाल लेती हूँ। फिर मैं इसे हमने जो ड्राई ब्रेड क्रम्स लिए हैं उसमें ऐड कर देती हूँ और बॉल्स को अच्छे से कोट कर लेती हूँ। ये जो ब्रेड बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं वापस स्लरी के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसे मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेती हूँ। इस प्रकार से हमें इसे 3 बार ब्रेड क्रम्स से कोट करना है जिससे इसका आउटर लेयर बहुत ही क्रंची और करारा तैयार होगा। और अब वापस मैं इसे 3री बार स्लरी में ऐड करके ब्रेड क्रम्स कोट कर लेती हूँ और उसके ऊपर हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस प्रकार से हमें इसे 3 बार ब्रेड क्रम्स से कोट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे तल लेती हूँ। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गरम हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों, ये गरम हो चुका है। अभी हमने जो बॉल्स तैयार किए हैं उसे मैं तल लेती हूँ। हमें राइस बॉल्स को मीडियम आंच के ऊपर तलना है। अगर आपने इसे धीमी आंच के ऊपर तला तो राइस बॉल्स के अंदर बहुत सारा तेल चला जाएगा और राइस बॉल्स बहुत ही ऑयली तैयार होंगे। जब भी आप इसे तले तभी हमेशा इसे मीडियम आंच के ऊपर तलिए जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और करारे तैयार होंगे।
मैं एक साथ में बहुत सारे बॉल्स नहीं तलूंगी, नहीं तो तेल का तापमान ठंडा हो जाएगा और बॉल्स बहुत ही ऑयली हो जाएंगे। जब एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरी साइड भी अच्छे से तल लेती हूँ। हमें इसे गोल्डन कलर आए तब तक हमें तलना है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया रंग आया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे राइस बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। मैंने राइस बॉल्स को हरी चटनी के साथ में और सलाद के साथ में सर्व किया है। ये टमाटो केचप के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे क्रिस्पी करारे बचे हुए चावल में से राइस बॉल्स बनके तैयार हैं। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता तैयार हुआ है। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।